व्हाट्स अप गाइस, कैसे सारे आप लोग, आप देख रहे अपना एके ब्लॉग। तो आज आप एके ब्लॉग चैनल पे ये देख रहे होंगे, तो भाई आज रिव्यू कैसे कर रहा। तो गाइस आज मैं आपको बताने हूँ एयरपॉड प्रो के बारे में, है ना, ये देख सकते हो। और इसका ना फुल रिव्यू दूंगा। ये वैसे मैंने क्लोन खरीदा था और ये मैं 15 दिन बाद इसलिए बना रहा हूँ कि इसका पूरा रिव्यू दूंगा। मतलब जिस तरीके से मैंने यूज़ कराया ना इसे, तो मैं आपको पूरा इसके डिटेल बताऊंगा कि अच्छे हैं कि नहीं है, इसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाकी तुम्हारा भाई के कान में बिल्कुल फिट आते हैं, कान में बोले देख सकते हो, है ना। तो अभी मैं इसके बारे में आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को देखते रहो। सो गाइस सबसे पहले कर लेते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या है तो अभी देखते हैं। तो मैंने ये बॉक्स देख रहे हो यार, बॉक्स जो है डिट्टो क्या कहते हैं, एप्पल की कॉपी कर रखी है इन्होंने, है ना। देखने में तो पूरा ओरिजिनल लग रहा है मेरे को। और इसके अंदर ये कुछ मैनुअल मिल जाते हैं जैसे ओरिजिनल में है, सेम ओरिजिनल है नहीं तो मैं दिखा देता, ये देख सकते हो, है ना। और उसके बाद आते हैं हमारा एयरपॉड, है ना, इसे तो हम साइड करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है। सो गाइस इसके अंदर मिल जाती है हमें लाइटनिंग केबल, है ना, टाइप सी। अगर क्या कहते हैं कंपेटेबल नहीं है, अगर आपके पास टाइप सी चार्जर नहीं है तो फिर आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हम रख देते हैं। और डिट्टो यार इसकी क्वालिटी की बात करें ना इसकी वायर की, तो इतना सब चीज़ बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है गाइस। सो गाइस क्या कहते हैं, अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर मैं रेटिंग देने पे आऊँ तो इसे दूंगा 10 में से 8 दूंगा। और इसकी बेस क्वालिटी जो है इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 8.5, मतलब काफ़ी अच्छी है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो। मैं आपको खोल दिखा देता हूँ, है ना, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसकी यार जो एप्पल वालों की जो कॉपी करी है ना इन्होंने, चाइना वालों ने भाई, डिट्टो करी है, जिसे कहते हैं डिट्टो, आप देख सकते हो, है ना। और मैं अगर आप इसे यूज़ करते हो ना, जैसे अगर मैं ये राइट कान में यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो ये मेरे चल जाते हैं 3.5-4 घंटे चल जाते हैं। मतलब ये समझ लो आपको एक, अगर आप मूवी भी देखते हो ना तो आपकी एक मूवी आराम से निकाल देगी, एक क्या मैं तो कह रहा हूँ 2 निकाल देगी, अगर आप कहीं बाहर जाते हो या ट्रैवल करते हो और इसे लेके जाते हो। क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मान लो
आठ घंटे चल जाता है, 8 घंटे तो मतलब कंटिन्यू चल जाएगा अगर मैंने यूज़ करा है। मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जैसे कि मैं इसे लगा के कहीं जाता हूँ या बाइक वाइक चलाता हूँ ना, अगर मैं यूँ लगा के जाऊँ, ये देख सकते हो कान में प्रॉपर फिट आते हैं। अगर मैं बाइक पर लगा के जाता हूँ तो क्या होता है, मतलब हेलमेट पहनूंगा तो फिर मतलब कभी कभी ना टच हो जाता है तो बंद हो जाता है, क्योंकि इसकी टच की जो वो है ना सेंसिटिविटी मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है। हल्का से यूँ करोगे ना तो मतलब गाना चेंज हो जाएगा, हल्का से डबल टेप करोगे तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, तो ऐसे ऐसे खुल मतलब ऐसा होता रहता है। और जो मुझे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो लगती है ना, पता क्या लगती है, जैसे कि मैं बाहर गया, अगर मैं बाइक वाइक चला रहा हूँ तो अगर मैं तेज़ बाइक चलाता हूँ तो ना इसके ना यहाँ से ना एयर मतलब इसके ना ये जो छः पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, इनके अंदर ना हवा जाती है, मतलब गाने सुनते हुए ना ऐसा लगता है जैसे भवंडर सा आ रहा हूँ, मतलब हवा एकदम झन झन झन, मतलब बाइक चलाता हूँ तो चलता रहता है। और बात करूँ जैसे दोनों, अगर मैं दोनों लगा के यूज़ करता हूँ ना तो ठीक ठाक चल ही जाता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका रियल प्राइस क्या है, तो इसका रियल प्राइस है, मैंने खरीदे थे ये 1500 रुपये का खरीदे थे, ये भी क्लोन खरीदे थे, देख सकते हो। सो गाइज, ये ना वायरलेस चार्जर सपोर्ट करता है, ये बात तो मैं आपको बताने भूल गया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या कहते हैं, एप्पल का चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, दे सकते हो। अगर आपके पास वो है एडेप्टर जो है टाइप सी वाला हो, जो पीछे भी टाइप सी लगता है, तो ये सही है, अदरवाइज नहीं तो आपको केवल दूसरी खरीदनी पड़ेगी एप्पल के लिए, जो नॉर्मल यूएसबी होती है, ठीक है, वैसे खरीदनी पड़ेगी। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो इसे परचेस करा था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने यूज़ करा इसे 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के बाद जो भी मेरे पास जो भी दिक्कत आई है। और एक चीज़ हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे बैटरी ख़त्म होने वाली होती है ना, तो ये बीच बीच में ना बंद हो जाता है अपने आप, मतलब बंद होगा फिर प्ले करो, बंद होगा प्ले करो, मतलब थोड़ी बहुत ना दिक्कत आती रहती है। तो गाइस बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप इसे परचेस करते हो तो काफ़ी अच्छा है, आप खरीद सकते हो, ये नहीं है कि इतना बुरा नहीं है, 1500 रुपये में मार्केट में तो आपको ये 2500 रुपये में मिल रहा है। लेकिन आप मेरे को कॉन्टैक्ट करोगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा इंस्टा पे, वहाँ पे आके मुझे पर्सनली मैसेज करना, तो मैं आपको ये दे दूँगा 1500 रुपये में दे दूँगा।